हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। तो आज आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 9th इंग्लिश का मॉडल पेपर, जो आपकी हाफ ईयरली एग्जामिनेशन का है। चलिए करते हैं स्टार्ट। देखिए, काफ़ी स्कूलों में हाफ ईयरली एग्जाम स्टार्ट हो गए हैं, तो आपके देखिए मॉडल पेपर कराना बहुत ही ज़रूरी है, ताकि आपका अभ्यास भी बढ़ सके। किस प्रकार आपका पेपर आने वाला है, किस प्रकार आपके पेपर को सॉल्व करना है, सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी वीडियो पर। तो वीडियो पर बने रहिएगा, जो चैनल पर नया चैनल सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। देखते हैं, देखिए पहले तो आपको पता होगा 3 घंटे का समय मिलता है, 3 घंटे 15 मिनट। देखिए 15 मिनट तो आपको पेपर पढ़ने में निकल जाते हैं, और आपको ये विशेष ध्यान देना है, पहले पेपर जैसे ही मिले आपको तो पेपर को पढ़ना है, यानी करने बैठ जाना है। सीधे क्या करना है, आपको पेपर को पहले पूरा पढ़ लेना है, किस प्रकार आया हुआ है, किस प्रकार के क्वेश्चन है, ठीक है ना। उसके बाद आपको करना है 1 बाय 1, सीरियल से करिएगा तो आपको बहुत ही अच्छा रहेगा, और बहुत ही अच्छे तरीके से आपको नंबर भी मिलने वाले हैं। नहीं कि आपने पहला क्वेश्चन कर लिया, उसके बाद आपने तीसरा कर दिया, फिर आपने छठवा कर दिया, ऐसे नहीं करना। आपको लाइन से सीरियल वाइज करना है। यदि आपको क्वेश्चन आ रहे हैं तो, यदि नहीं आ रहा कोई क्वेश्चन बाई चांस, तो आपको छोड़ देना, उसको लास्ट में कर लीजिएगा, ठीक है ना। अब देखते हैं पार्ट 1 में क्या दिया गया। देखिए पार्ट ए आपका क्या है, रीड, ठीक है ना। आपको पैसेज मिलेगा, उसके बाद आपको इसको पढ़ना है, और उसके बाद करेक्ट टिक द करेक्ट आंसर, यानी आपको MCQ मिलने वाले हैं। और अब क्या हो रहा है, टोटल MCQ कितने आते हैं, आप 20 आपके MCQ आते हैं, ठीक है ना। हिंदी और इंग्लिश में भी आते हैं, इंग्लिश में भी आपके 20 MCQ ही आते हैं। देखिए पहले क्या होता था, 1 से 2 साल पहले आपके क्या कहते हैं 10 क्वेश्चन आते थे, ठीक है ना, MCQ में। अब आते हैं आपके 20 MCQ। तो चलिए अब देखते हैं, और 50 नंबर का आपका रिटर्न पेपर होता है। देखिए यहाँ से आप तीनों क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, पहले आप पैसेज को पढ़ लीजिए अच्छे तरीके से। चलिए पढ़ लिया आपने पैसेज को, उसके बाद आपको क्या करना है, क्वेश्चन को अच्छे तरीके से पढ़ के टिक करेक्ट आंसर कर लेना। इनमें से आप ध्यान मत दीजिएगा कौन सा आंसर है अपना, करेक्ट अपने मन से कर लीजिएगा, ठीक है ना। अब आगे देखिए, जैसा कि आपको यहाँ दिया गया है, आगे कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं 4 से 8 नंबर पर। देखिए क्या दिया गया है, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन आंसर द फॉलोइंग, यानी कि आपको देखिए ग्रामर है यहाँ पर, ही अ नॉवल के बाद डैश दिया गया है, उसमें आपको जो फिल करना है कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए 4, 5, 6, 7, 8 यहाँ तक आपका पूरा ग्रामर पोर्शन है। उसके बाद देखिए 9 क्वेश्चन भी देख लीजिए, यहाँ आप देखिए वीडियो पर पॉज बटन दबा करके आप पेपर को पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। क्योंकि देखिए हम जितना सोचते हैं जितनी फास्ट वीडियो बने और आपके लिए प्रोवाइड कर दी जाए तुरंत ही, ठीक समझ गया ना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, रीड द पैसेज गिवन बिलो, आपको देखिए फिर से पैसेज मिला है, उसके बाद आपको इसको पढ़ना है। उसके बाद देखिए 9 और 10 क्वेश्चन आपको इसी से पूछे गए हैं। देखिए पैसेज से ही आपके उधर से पूछे गए थे 4 क्वेश्चन, इधर भी 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब आगे देखिए फिर से देखिए क्या दिया गया है, चूज द करेक्ट ऑप्शन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर भी आपका दिया गया है, इन द इंड केजिया फेल्ड एट, देखिए आपके क्वेश्चन है 11, 12, 13, आपके इंग्लिश से बुक से मैच ही करते होंगे, ठीक है ना। अब आपको मैच आ रहा होगा सारा पेपर, तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आपने अभी तक कितनी अच्छी तरीके से तैयारी की हुई है कि नहीं की है आप खुद ही जानते हैं। पेपर को ट्राई करिएगा करने के लिए, और यदि कर लेते हैं इस पेपर को तो बहुत ही अच्छी बात है, आपका पेपर भी जो आएगा मिलने वाला है आपके आगे चल के, तो वो भी आपका अच्छे तरीके से हो पाएगा, ठीक है ना। यदि आपको ये पेपर आ रहा है क्लास 9 का ना, तो आपका जो पेपर मिलेगा ना स्कूल पर, वो भी आपका बहुत अच्छे तरीके से सहयोग हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ तक आपने नोट कर लिया, चलिए यहाँ पर आ जाइए। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 दिया गया है, चूज़ द नेम ऑफ द पोएट ऑफ द फॉलोइंग, देखिए आपको एक क्या दिया गया है, चूज़ द नेम ऑफ द पोएट ऑफ द पोएम, यानी कि आपको देखिए जो पोएम दी गई थी ना इधर, या आपके देखिए ऊपर पोएम नोट है ना इधर, उसको उसी के द्वारा आप जो पोएम लिखी उसका आपको लेखक के हिसाब बताना है, कौन से पोएट हैं, कवि हैं, ठीक है ना। उसके बाद राइट द नेम ऑफ द पोएम, आपका पोएम का नाम भी यहाँ पर बताना है, जो आपकी पोएम थी आपने पोएम इधर पढ़ा होगा रीड द, ठीक है ना। उसके बाद दिया गया क्वेश्चन नंबर 16 से लेकर के 20 तक दिया गया, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन आंसर द फॉलोइंग। इसमें देखिए यहाँ से आपका लेसन से क्वेश्चन पूछे गए हैं, पार्ट से क्वेश्चन पूछे गए हैं 16 से लेकर 20 तक, इनको आप पढ़ लीजिए अच्छे तरीके से। और कोई भी समस्या या परेशानी यदि इसका आप सोल्यूशन चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और इसको 100 लाइक तक पहुंचा दीजिएगा, ठीक है ना। ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए, ताकि सभी बच्चों की मदद हो सके, जितने भी आपके व्हाट्सएप में ग्रुप हैं सभी को शेयर कर दीजिए, ताकि सभी की मदद हो सके। देखिए यदि आप एक दूसरे की मदद करते हैं ना, तो आपकी मदद ऑटोमेटिक ही हो जाती है, ठीक है ना। जितनी बार आप एक दूसरे की मदद करते हैं, याद करके देख लीजिएगा। देखिए हम आपकी मदद क्यों कर रहे हैं, कोई बिना चार्ज की मदद कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, ताकि हमारी भी मदद हो, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ तक आपने नोट कर लिया, अब पार्ट बी में आ जाते हैं। यहाँ से देखिए आपका MCQ का काम खत्म हो गया, अब यहाँ से आपको रिटन पोर्शन आ गया पार्ट बी पर। अब देखिए रीड द पैसेज एंड द फॉलोइंग क्वेश्चन, यहाँ से फिर से आपको पैसेज मिलता है, और इसके नीचे 4 क्वेश्चन दिए गए हैं, सभी 1-1 नंबर के हैं। जो आपके 4 क्वेश्चन दिए गए हैं सभी 1-1 नंबर के हैं, 1-1 नंबर आपको मिल जाएगा। ज़्यादा इसमें आपको लिखना नहीं होता है, केवल 2 से 3 लाइन में इसको सभी को क्वेश्चन खत्म कर दीजिए आंसर। उसके बाद देखिए अप्लीकेशन आपको आ जाता है, यदि आपको ये पहले अप्लीकेशन आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता तो देखिए ऑप्शन में दिया गया राइट लेटर टू पोस्ट मास्टर, आपको लेटर लिखने के लिए एक अप्लीकेशन आता है और एक लेटर आता है, दोनों में से आपको एक करना होता है, दोनों आपको नहीं करना है नहीं तो नंबर आपको नहीं मिलेंगे। कुछ बच्चे क्या करते हैं, दोनों को लिख देते हैं, ऐसा आपको कभी नहीं करना, टाइम वेस्ट होता है। उसके बाद देखिए अगर राइट अ पैराग्राफ इन माई विलेज और माई टाउन, देखिए आपको एक पैराग्राफ लिखना है अपने गाँव और टाउन के विषय में, ठीक है ना, और 60 से 80 वर्ड में होना चाहिए, यानी कि कम से कम आपको मिनिमम 2 पेज लिखना है इसमें, समझ गए बात को।
देख लीजिएगा कितना कम से कम, देखिए 60-80 दिया होता है, पर आपको 100 कम से कम लिखना है तभी उसमें आपका सही हो पाएगा, ठीक है ना। नोट हो गया क्वेश्चन नंबर 3, अब आगे देखते हैं। चलिए यदि वो नहीं आता है तो आपको देखिए और दिया गया है, एक रिपोर्ट ऑफ द टाइम ऑफ इंडिया, आपको एक रिपोर्ट तैयार करनी है टाइम ऑफ इंडिया को लेकर के, ठीक है ना। एक्सीडेंट इन द मार्केट, कोई एक्सीडेंट हो जाता है, इसमें आपको कहानी रच देना है सीधा सीधा, समझ गया बात को। जिस तरह आपका न्यूज़पेपर आता, न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे कि कहीं ये हादसा हो गया, आपने नोट किया होगा ना, पढ़ते हैं ना न्यूज़पेपर, उसी प्रकार आपको एक इसमें बना देना है कहानी, ठीक है ना, रिपोर्ट तैयार कर देना है। उसके बाद देखिए क्या दिया गया है, ग्रामर पोर्शन आ गया, चेंज द फॉलोइंग इन टू इनडायरेक्ट, ठीक है ना, स्पीच। अब देखिए यहाँ से आपको इनडायरेक्ट स्पीच करना है, राम विल से दे आर स्टूडेंट, क्या करना है आपको इनडायरेक्ट में बदलना है, चेंज इन टू पैसिव वॉइस, आपको देखिए पैसिव वॉइस में बदलना है, यू डो नॉट ईट मैंगो, ठीक है ना, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है पैसिव वॉइस, और ये भी इनडायरेक्ट नरेशन भी बहुत आपकी आसान है, पर आपके करना सारे रूल यदि आपको अच्छे तरीके से पढ़ लिए हैं तो बहुत ही आसान पेपर आएगा आपको। उसके बाद पंचुएट करना, देखिए इसमें आपको सही पंचुएट को मतलब क्या करना है, सही करके लिखना। देखिए हमेशा ध्यान दीजिएगा, अधिकतर पंचुएट आपका किस में आता है, इनडायरेक्ट नरेशन में आता है, ठीक है ना, किस में आता है, इनडायरेक्ट नरेशन में। देखिए जैसे राम विल से दे आर स्टूडेंट, सेम इसी प्रकार आपका देखिए ये भी दिया गया है, रोहन सेड, क्या दिया गया, रोहन सेड सीता व्हाट इज़ योर नेम, इसमें पूछ रहा है रोहन, जैसे रोहन क्या है, कैपिटल लेटर्स आपको लिखना है, हमेशा नाम क्या होता है बड़े अक्षरों से ही शुरू होता है, तो आपको इसको रोहन सही कर देना है, रोहन सेड, उसके बाद कॉमा लगाना है, सेड सीता व्हाट इज़ योर नेम, समझ गया, लास्ट में क्वेश्चन मार्क आपको लगाना था, अभी आपका पूरा नंबर सही होगा, और जितने नंबर का है, दो नंबर का, तो आपको दो नंबर मिल जाएंगे। उसके बाद ट्रांसलेट देखिए, बहुत ही छोटा ट्रांसलेट आता है, पहले तो बहुत ही लॉन्ग आता था, अब क्या करते हैं बहुत से 3 से 4 लाइन में आपका आ जाता है। अब देखिए कितने स्टेप, 1, 2, 3, 4 से 5 अक्षर दिए गए हैं, ठीक है ना, 4 से 5 लाइन दी गई हैं और 4 नंबर आपको मिल जाएगा। श्री राम अयोध्या से के राजा थे, वे 4 भाई थे, उनकी पत्नी का नाम सीता था, रावण ने सीता का अपहरण किया, राम ने रावण को मारा, बस खत्म कहानी। यहाँ से आपका ट्रांसलेट भी खत्म हो गया। अब लिटरेचर पोर्शन में आ जाते हैं, देखिए क्या दिया गया लिटरेचर में, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन अबाउट 30 to 40 वर्ड, यानी कि आपको शॉर्ट क्वेश्चन ही लिखना है, यानी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आपको दिए गए हैं, व्हाट इज औरंगजेब, ठीक है ना, वन प्लेइंग इन द पंगी। उसके बाद देखिए यदि आपको ये दोनों क्वेश्चन आते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, यदि आपको इन दोनों क्वेश्चन को नहीं है तो केवल आप एक कर सकते हैं, देखिए इन दोनों को करना होगा यदि आप करना है तो, यदि ये दोनों नहीं आता तो ये वाला आता है तो आपको एक करना होगा, समझ गया बात को, क्योंकि देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन हु से शुरू होता है, एक वाई से शुरू होता है, दोनों ही आपको आंसर इसमें करना है, समझ गया बात को। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6, आंसर द फॉलोइंग इन 60 वर्ड में लिखना है, आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, दोनों में से आपको एक ही करना है, समझ गए यहाँ तक। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7, राइट 4 लाइन पोएम, बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपको ऐसी पोएम लिखना जो आपके पेपर में ना ही हो, यानी कुछ बच्चे क्या करते हैं जो पेपर में ही होते उसी को छाप देते हैं, इसमें 0 नंबर आपको मिलते हैं, समझ गए। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, राइट द सेंट्रल आईडी, देखिए सेंट्रल आईडी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, यदि हाफ ईयरली पेपर है तो आपके लिए बहुत ही आसान होता है, क्या होता है पहले से 2 पोएम का सेंट्रल आईडी आप याद कर लीजिए, उनमें से 2 ही में से एक फंस जाता है, क्योंकि देखिए ऑप्शन में आते हैं ना, तो बस उसमें तो आपका आना ही आना है, 3 नंबर इसमें मिल जाएंगे, 3 नंबर आपको पोएम में मिल जाएंगे, पोएम कोई भी एक याद कर लीजिए, 2 याद करिए, क्योंकि एक पेपर में फंस जाए तो दूसरी आप लर्न कर लिख सकते हैं, समझ गए ना। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन है आपका, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन 30 से 40 वर्ड, इसमें आपको 2 में से क्या करना है, एक ही करना है। देखिए आपको राइट एनी वन, इसको पहले इंस्ट्रक्शन आप पढ़ लिया करिए, क्या दिया गया, 1 करना है ना आपको, क्वेश्चन ए और बी में एक करना है केवल। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 में भी क्या करना है आपको, एक ही क्वेश्चन करना है, लॉन्ग आंसर, देखिए पहले शॉर्ट आता है उसके बाद आपका लॉन्ग आता है, समझ गए। अभी आपको पेपर समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, यदि चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।